मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। हाय रे अभागे भरत, भैया सूखी घास पर पड़े रहे और तू महलों के रेशमी बिछौनों पर सोता रहा। आर्य सुमंत, यहां से मैं भी पैदल नंगे पांव चित्रकूट तक जाऊंगा। जब तक भैया के दर्शन नहीं हो जाते, अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। स्वामी कंदमूल खाए और सेवक राजभोग खाए, धिक्कार है ऐसे सेवक पर, धिक्कार है। आपने मुझे कूच करने का आदेश क्यों नहीं दिया महाराज? इंद्रजीत, तुम लंका की सबसे सुदृढ़ प्राचीर हो। लंका के गढ़ की नींव तुम्हारे ही आधार पर टिकी हुई है। अंत तक तुम्हारी सुरक्षा करना आवश्यक है। आदि देव तुम्हारी रक्षा करे। यदि तुम्हें कुछ हो गया बेटे, तो लंका अनाथ हो जाएगी, अनाथ। यह बात राम ने स्वयं कही। तुम मुझे मेरी सीता दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। जी महाराज, उन्होंने स्वयं कहा था। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। यही बात राम ने कही कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे शांति चाहिए। मूर्ख, इस बात में तुझे राम की करुणा दिखाई दी, उसका भय दिखाई नहीं दिया कि रणक्षेत्र में रावण के सामने आने के विचार से ही उस धनुर्धारी के हाथ पांव कांपने लगे? जिसकी प्रिय पत्नी को कोई हर के ले गया हो, उस शत्रु के लिए इतने महीनों से उसके रक्त में प्रतिशोध की कोई ज्वाला नहीं भड़की, तो फिर वो क्षत्रिय का रक्त नहीं होगा। मेरे भाग्य की विडंबना को देखो, मुझे रघुकुल जैसा उज्जवल वंश मिला। वीर पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और परम धर्मात्मा दशरथ जैसा पिता मिला। तीनों लोकों में वंदनीय श्री राम जैसा भाई मिला। और तुझ जैसी पापन कुलनाशिनी और नीच माता के गर्भ से जन्म दिया गया। हे विधाता, इससे बड़ा परिहास तो किसी और के साथ क्या कर सकता है?